सो हे गेमर्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्री फायर के प्रो सेटिंग्स के बारे में। जब भी हमारे गेम के अंदर अपडेट आता है भाई, हमारे सेटिंग्स के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं। और कल के दिन ही हमारे गेम में OB44 का नया अपडेट आ चुका है और इस अपडेट के बाद हमारे फ्री फायर के सेटिंग्स के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अब से आप लोग व्हीकल के बटन्स को खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। और सबसे बड़ा चेंजेस किया गया है सेंसिटिविटी के अंदर। बहुत सारे बंदे इस सेंसिटिविटी के अंदर ही कन्फ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को 100 की जगह 200 सेंसिटिविटी दे दिया गया है। और कहीं सिर्फ जनरल के अंदर ही नहीं, रेड डॉट, 2x, 4x सब के अंदर यहाँ पर 200 सेंसिटिविटी दिया गया है। तो बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो रहे कि भाई यहाँ पर हमें कितना सेंसिटिविटी रखना चाहिए। कुछ लोग तो यार इसको डायरेक्ट से 200 कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग इसको 200 कर दोगे ना, तो गेम बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं खेल पाओगे। अब आपके मन में यही सवाल होगा कि भाई हमें यहाँ पर कितना सेंसिटिविटी रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को सारे सेंसिटिविटी के बारे में डिटेल्स के साथ बताऊंगा और गाइस कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कंट्रोल्स के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना, ताकि गेम में आने वाला ऐसा कोई भी इवेंट या फिर अपडेट आपका मिस ना हो पाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं बेसिक सेटिंग के बारे में। तो गाइस इस अपडेट में बेसिक सेटिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं, ठीक है। बेसिक के अंदर जो हमारा लॉग इन हिस्ट्री ऊपर में आप लोग को देखने को मिलता है, इसको आप लोग बार बार आके चेक करते रहना। इससे यह पता चलता है कि आपके आईडी को कौन कौन लॉग इन कर रहा है। जैसे कि देखो, मेरे आईडी को बहुत सारे फोन के अंदर लॉग इन किया गया है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूं, और मैं गेम खेलता हूं सैमसंग S23 अल्ट्रा के अंदर, तो वो यहां पर दिखाया जा रहा है। Xiaomi का भी मेरे पास एक फोन है, तो उसके अंदर भी मैं कभी कभी गेम खेल लेता हूं। और गाइस ये जो आप लोग गूगल HP देख रहे हो ना, ये एक पीसी का है, तो भाई मैं पीसी के अंदर भी कभी कभी गेम खेलता हूं, ठीक है। तो वो यहां पर बताया जा रहा है और लास्ट लॉग इन का डेट वगैरह भी दिया जा रहा है। तो आप लोग भी आकर ऐसे करके चेक कर लेना। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं कोई फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, कि मेरा आईडी चुपके से कोई लॉग इन कर रहा है, तो आप लोग लॉग आउट फ्रॉम ऑल कर सकते हो। जैसे इसे करोगे तो भाई आपका आईडी सारे जगह से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स जानते हैं, लेकिन जो भी फ्री फायर के नए प्लेयर्स हैं उनको पता नहीं होता है। इसी वजह से मैंने इसे कवर कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अभी गाइस हम लोग आते हैं सेंसिटिविटी के अंदर, ठीक है। सेंसिटिविटी के अंदर बहुत सारे बंदों का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि अभी अभी सेंसिटिविटी को 200 किया गया है और काफी सारे लोग यही सोच रहे कि भाई हमें सेंसिटिविटी कितना रखना चाहिए। अब देखो, सेंसिटिविटी 200 करने से मूवमेंट तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर लोगे, लेकिन गाइस आप लोग हेडशॉट नहीं मार सकते। हेडशॉट मारोगे तो पूरा का पूरा रिकॉइल खा जाएगा। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आपका जो जनरल सेंसिटिविटी होता है वो आप लोग 140 रखना, ठीक है। पहले से आप लोग 100 या फिर 90 रख के खेलते होगे, 90 से 100 के बीच में ही रख के खेलते होगे, तो अभी आप लोग 140 से 145 के बीच में रख के खेलना। मैंने कल गेम खेला, इसी वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को 40 से 45 ही रखना है, ठीक है। 145 से 140 के बीच में रखना, मैक्सिमम 150 कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आप लोग 160 170 भी रख सकते हो, लेकिन गाइस मेरे ख्याल से आप लोग 150 के अंदर ही रखना। और गाइस अगर आप लोग इसको कंट्रोल करना सीख जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप लोग चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पे आप लोग 150 से कम ही सेंसिटिविटी रखना जनरल का, ठीक है। तो ये तो जनरल सेंसिटिविटी हो गई। अब बात करते हैं कि आप लोग को रेड डॉट कितना रखना है, ठीक है। तो रेड डॉट जो है वो आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा रखना है, ठीक है, जनरल सेंसिटिविटी से थोड़ा सा ज्यादा रखना है। अगर आप लोग एक बॉडी प्लेयर हो तो मेरे ख्याल से आप लोग 165 रख लेना, ठीक है। अगर आप लोग बॉडी प्लेयर हो तो 165 रख लेना। अगर आप लोग हेडशॉट प्लेयर हो तो थोड़ा सा कम रखना, ठीक है, आप लोग इतना रख सकते हो 140, मतलब कि जनरल सेंसिटिविटी से थोड़ा सा कम रखना अगर आप लोग हेडशॉट प्लेयर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हेडशॉट वन टैप मारते हैं ना, तो वन टैप में गाइस आप लोग थोड़ा सा कम ही रखना रेड डॉट को, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग बॉडी शॉट मारते हो तो थोड़ा सा बढ़ा देना, 160-170 के बीच में रखना। और गाइस 2x को आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, मतलब जिस हिसाब से यूज करते हो, तो आप लोग जनरल के साइज का ही रखना, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो या फिर थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद गाइस अगर आप लोग स्नाइपर यूज करते हो तो अपने हिसाब से आप लोग खुद से स्नाइपर का रख लेना। काफी सारे लोग स्नाइपर यूज नहीं करते, तो स्नाइपर तो मैं 100 ही रखने वाला हूं। और गाइस अगर बात करें फ्री लुक की, तो फ्री लुक आप लोग 150 के बीच में रखना, ठीक है, 150। काफी सारे लोग फ्री लुक यूज नहीं करते, अगर आप लोग यूज करते हो तो 150 ही रखना, इससे ज्यादा इसको मत करना। अगर ज्यादा करोगे तो पूरा स्क्रीन ही आपका घूम जाएगा, आप लोग अच्छे से इनेमी को नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो 100 से 150 के बीच में ही आप लोग रखना, ज्यादा मत रखना, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग को हेडशॉट मारना है तो उसके लिए आपके फायर बटन का साइज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अगर आप लोग को हेडशॉट मारना है तो आप लोग गाइस आपका जो फायर बटन का साइज होगा वो 45 से कम होगा, ठीक है, 45 रख सकते हो या फिर उससे कम भी रख सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो तो फिलहाल आप लोग 45 कर लो। अगर आप लोग 45 पे कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे भी कम कर सकते हो, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे कि आपका जो फायर बटन है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है, डिस्प्ले के थोड़ा नीचे ही रहेगा। आप लोग ज्यादा ऊपर मत करना, थोड़ा नीचे ही रखना, ठीक है, फायर बटन को थोड़ा सा नीचे रखना और ज्यादातर ड्रैग करना। अगर आप लोग ड्रैग करोगे, अभी सेंसिटिविटी भी हाई कर दिया गया है, तो अगर आप लोग एकदम से ड्रैग करोगे तो भाई हेड के ऊपर एम चिपकने वाले हैं, ठीक है। और गाइस आप लोग को प्रैक्टिस करना है ज्यादातर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तो सब कुछ होता है, तो आप लोग को प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अब गाइस हम लोग आते हैं कंट्रोल्स के अंदर। तो गाइस आपका जो एम है वो डिफॉल्ट ही रहना चाहिए, ठीक है, इसको आप लोग इधर उधर मत करना, डिफॉल्ट ही रखना। लेफ्ट फायर बटन जो है वो आप लोग ऑलवेज करना, ठीक है। अगर आप लोग यूज नहीं
नहीं करते हो तो ऑलवेज कर देना, यूज करना सीखो, इससे भाई बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप लोग लेफ्ट फायर बटन से ग्लूअल लगाओगे ना तो बहुत ही फास्ट लगेगा, प्रो प्लेयर के जैसा, ठीक है। बहुत सारे बंदों को देखते होंगे कस्टम के अंदर बहुत ही फास्टली ग्लूअल लगा देते हैं तो वो लेफ्ट फायर बटन से लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऑलवेज इसको कर देना। उसके बाद आता है होल्ड फायर टू स्कोप, इसको आप लोग ऑन रखना। अभी कहीं आप लोगों को नीचे में देखने को मिलता है क्विक वेपन स्विच, इसको भी आप लोग ऑन रखना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को नीचे में क्विक रिलोड आता है, इसको भी आप लोग ऑन ही रखना, ठीक है। उसके बाद आता है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस ईयर, इसको आप लोग ऑलवेज ऑफ रखना, ठीक है। यहां पर थोड़ा ध्यान दो, रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस ईयर जो है इसको आप लोग ऑफ रखना। इससे क्या होगा कि भाई जो आपका क्रॉस ईयर सर्कर होता है ना, जिस पे रेड एम आता है, ठीक है, इनिमी के पास लेके जाते हो तो आपका जो सर्कर होता है वो रेड एम आता है, उसके बाद आप लोग मारते हो तो वहीं पर आपका रिलोड दिखाएगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं होती है, आप लोग इसको हमेशा से ऑफ रखना, ठीक है। फ्री लुक आप लोग ऑन रखना चाहो तो ऑन रख सकते हो, मैं ऑफ करके खेलता हूं क्योंकि यार मुझे फ्री लुक की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं बरमुदा बीआर रैंक नहीं खेलता, ठीक है। अगर आप लोग बीआर रैंक खेलते हो तो फ्री लुक को ऑलवेज ऑन करके रखना, अगर आप लोग सीएस गेम खेलते हो तो फ्री लुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटो स्विच गन, इसको मैं ऑलवेज ऑफ रखता हूं, अगर आप लोग चाहो तो ऑन कर सकते हो लेकिन इसको मैं ऑफ रखता हूं, ठीक है। उसके बाद आता है बीआर स्कोर बोर्ड, अगर आप लोग बीआर गेम खेलते हो तो इसको आप लोग ऑन कर लेना। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया बीआर में बहुत ही कम गेम खेलता हूं तो इसको मैं ऑफ रखता हूं, लेकिन अगर आप लोग बीआर खेलते हो तो इसको आप लोग ऑन कर देना, ठीक है। होल्ड रखना चाहते हो, टैप रखना चाहते हो, वो आप लोग यहां से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है आइटम फाइंडर, इसको गाइस आप लोग रिकमेंडेड टाइम पे ही रखना, अगर आप लोग इसको ऑलवेज ऑन कर दोगे ना तो भाई आप लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है। दिक्कत इसलिए होगा कि अगर आप लोग इनिमी से फाइट भी ले रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि इनिमी से जब फाइट लेते हो ना तो आसपास में बहुत सारे लूट बॉक्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है, मेडकिट होता है, ग्लूअल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो ना फ्री फायर वाले शो करने लगे भाई यहां पर मेडकिट है। अब आप लोग इनिमी से फाइट करते रहोगे और आपके सामने लूट आ जाएगा तो भाई आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इनिमी आपको मार के चला जाएगा। तो भाई आप लोग को रिकमेंडेड टाइम पे ही इसको सेलेक्ट करके रखना है, ऑलवेज नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ग्रेनेड स्लॉट के अंदर, काफी सारे बंदे इसको सिंगल स्लॉट में रखते हैं लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको डबल स्लॉट के अंदर ही करना। जितने भी प्रो प्लेयर है या फिर जितने भी ओल्ड प्लेयर है इसको डबल स्लॉट के अंदर ही रखते हैं, सिंगल स्लॉट के अंदर नहीं रखते हैं। डबल स्लॉट के अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, आप लोग ग्लूअल अलग रख सकते हो, ग्रेनेड अलग रख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको डबल स्लॉट करके रखना, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लूअल स्मार्ट थ्रो, इसको आप लोग ऑलवेज ऑफ रखना, ठीक है। अगर ऑन रखोगे ना तो जैसे ही हाथ में ग्लूअल पकड़ोगे वैसे ही ग्लूअल लग जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लोग ऑलवेज ऑफ रखना। उसके बाद आता है परमानेंट ग्लूअल बटन, इसको भी आप लोग ऑफ करके ही रखना। और नीचे में आप लोग को मूवमेंट में रन बटन जो है वो आप लोग, रन मोड जो है वो आप लोग को क्लासिक ही रखना है, ठीक है। और नीचे में आप लोग को व्हीकल कंट्रोल जो है वो आप लोग टू हैंडेड रखना है, ठीक है। अगर वन हैंडेड रखना चाहो तो रख सकते हो लेकिन आप लोग टू हैंडेड ही रखना, वन हैंडेड के अंदर काफी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। वन हैंडेड से आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप लोग टू हैंडेड ही रखना है, ठीक है। इन गेम टिप्स जो है वो आप लोग डिफॉल्ट रखना। उसके बाद गाइस आप लोग एलिमिनेशन नोटिफिकेशन भी क्लासिक रखना। उसके बाद ये जो क्रॉसियर टाइप है इसको आप लोग न्यू रखना, डैमेज इंडिकेटर को आप लोग न्यू रखना, हिट मेकर को भी आप लोग न्यू रखना, और गाइस टीममेट इन्फॉर्मेशन को आप लोग क्लासिक रखना, ठीक है। और नीचे में आप लोग को टीममेट निकनेम जो है इसको आप लोग ऑलवेज डिस्प्ले करना, अगर आप लोग को वीडियो वगैरह बनाना हो तो हाइड कर सकते हो। हाइड करने से क्या होगा कि आपका जो निकनेम होता है, मतलब आपके फ्रेंड का जो निकनेम होता है ना, वो दिखेगा ही नहीं, उसका नाम दिखेगा ही नहीं, आप लोग को लगेगा कि भाई ये इनेमी, उसको मारने लगे पीछे से आपको इनेमी मार के चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको हाइड नहीं करना, हाइड तभी करना है जब आप वीडियो बना रहे हो अपने दोस्त के साथ, स्क्रिप्टेड वीडियो है या फिर किसी भी तरीके का वीडियो बना रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब जो भी वीडियो बनाते हैं ना लोग जाकर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, क्या बोलते हैं, सोशल आइलैंड के अंदर, तो उस पे आप उस टाइम पे आप लोग इसको हाइड कर सकते हो, ठीक है। तो काफी सही रहता है, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पे आप लोग डिस्प्ले इसको कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंट्रोल सेटिंग जो कि आप लोग को अपडेट के बाद कंप्लीट करना है, और यही एक ओल्ड प्लेयर का कंट्रोल सेटिंग होता है जो कि मैंने आप लोग को दिखा दिया है। ऐसा ही सेम आप लोग कंट्रोल सेटिंग को कंप्लीट करना है। और उसके बाद हम लोग आते हैं व्हीकल्स के अंदर, देखो ये बिल्कुल ही नया ऐड किया गया है इस अपडेट के अंदर। पहले के टाइम पे आप लोग कस्टमाइज इसे नहीं कर सकते थे व्हीकल के सेटिंग्स को, लेकिन अब आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ही आप लोग कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करोगे इसको जिधर चाहो उधर रख सकते हो, ठीक है। और गाइस यहां पर आप लोग को हॉर्न का भी ऑप्शन मिलता है, जिधर चाहो उधर इस हॉर्न को रख सकते हो, तो ये काफी अच्छा कर दिया गया है। अगर आप लोग वन हैंडेड चलाते हो तो वन हैंडेड के अंदर भी आप लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हो, टू हैंडेड को भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो टू हैंडेड यूज करता हूं तो इसको मैं अच्छे से कस्टमाइज कर लेता हूं, ठीक है। जैसे भी आप लोग कस्टमाइज करना चाहो आप लोग इसको कस्टमाइज करके ऐसे करके सेव कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑटो पिकअप के अंदर। अगर आप लोग बीआर गेम खेलते हो तो ऑटो पिकअप को जरूर से सेट करके रखना, अगर आप लोग इसको सेट नहीं करोगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। जितने भी फ्री फायर के प्रो प्लेयर्स हैं या फिर ओल्ड प्लेयर्स हैं, सभी के सभी वो लोग ऑटो पिकअप को हमेशा से ऑन रखते हैं। और गाइस इसके सेटिंग्स के अंदर भी कुछ यहां पर चेंजेस करते हैं, ठीक है, जो कि मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। अगर आप लोग बीआर गेम ज्यादा खेलते हो ना तो आप लोग को लूट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो आप लोग सबसे पहले तो ये सारी चीजों को ऑन कर देना, ठीक है। अगर आपका ऑफ होगा तो ये सारी चीजों को आप लोग को ऐसे करके ऑन कर देना है। उसके बाद आप लोग को प्रायोरिटी का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, साइड में यहां पर आना है, और यहां पर आप लोग को बहुत सारी चीजें देखने
देखने को मिलेगी, जैसे कि वेपन, मेडकिट, एमओ, स्पेशल इक्विपमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इधर से अप डाउन इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, माना कि अभी आप लोग रिवाइव होकर आ रहे हो, ठीक है, और गाइज आप लोग को सामने में लूट बॉक्स मिला, सामने में एक इनेमी भी है, ठीक है। आप लोग को जल्दी से जल्दी उस लूट बॉक्स में से उस गन को लूटना है, क्योंकि सामने में इनेमी है, तो आप लोग को सबसे पहले गन लूट करके इनेमी को मारना होगा। और प्रो प्लेयर क्या करते हैं, बस लूट बॉक्स के ऊपर बैठते हैं, उनके पास गन आ जाता है, ठीक है। तो वो लोग ऐसा सेटिंग को कंप्लीट करके रखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर आप लोग को वेपन देखने को मिल रहा है, तो वेपन को आप लोग को ऑलवेज अप करके रखना है, ठीक है। जैसे आप लोग लूट बॉक्स के ऊपर जाओगे, वैसे ही गाइस आप लोग को तुरंत ही आपके हाथों में वेपन आ जाएगा, ठीक है। वेपन आ जाएगा, कोई भी जो भी लूट बॉक्स के अंदर वेपन है वो आपके हाथों में आ जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग मेडकिट को रखो, मेडकिट आप लोग कितना रखना है वो भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, 4 चाहिए 5 चाहिए आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हमेशा से 5 रखता हूँ, ठीक है। जैसे ही लूट बॉक्स के ऊपर जाता हूँ, मेरे पास 5 मेडकिट ऑटोमेटिक आ जाता है, और गाइस मुझे उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि भाई वो बंदा इतना जल्दी कैसे लूट लेता है यार, तो वो लोग ऑटो पिकअप का ही यूज करते, ये वाला सेटिंग को कंप्लीट करते और उसके बाद वो लोग जल्दी से जल्दी लूट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको ऑन करके ये सारे सेटिंग्स को कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आप लोग भी ऑटो पिकअप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। उसके बाद आप लोग मेडकिट, एमओ, तो आप लोग को एमओ को भी ऊपर रखना होगा, क्योंकि वेपन आप लोग को मिल जाएगा, एमओ नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो आप लोग को वेपन एमओ को भी ऊपर कर देना है, ठीक है। ऐसे हम वेपन एमओ को ऊपर कर देते हैं, उसके बाद गाइस आप लोग मेडकिट को थोड़ा नीचे कर देना। उसके बाद आप लोग को अटैचमेंट्स देखने को मिलता है, जो कि आप लोग अपने गन के अंदर लगाते हो, जैसे कि लेवल 3 का मजल हो गया, साइलेंसर हो गया, ये सब अटैचमेंट के अंदर आता है, जो कि आप लोग अपने गन के अंदर लगाते हो, तो वो आप लोग अटैचमेंट को भी ऊपर कर सकते हो। आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। मैं अपने ऑटो पिकअप के प्रायोरिटी को ऐसे ही कस्टमाइज करके रखता हूं। और अगर आप लोग क्लैश कोड का करना चाहते हो, तो क्लैश कोड का भी यहां पर साइड में सेटिंग मिलता है, ये क्लासिक मोड का हो गया, ठीक है। अगर आप लोग बीआर का गेम खेलते हो, बैटल रॉयल का रैंक गेम खेलो या फिर नॉर्मल क्लासिक खेलो, उसके अंदर ये सेटिंग आपका काम करेगा। और अगर आप लोग क्लैश कोड खेलते हो, तो उसके लिए अलग सा सेटिंग है, ठीक है। तो क्लैश कोड के लिए एक अलग सा सेटिंग आप लोग ऐसे करके बना सकते हो, खुद से कस्टमाइज कर लेना, जो कि मैंने आप लोग को अभी भी बताया, ठीक है। अभी कैसे हम लोग आते हैं डिस्प्ले के अंदर, तो यहां पर आप लोग जो भी सेटिंग देख रहे हो ना, ये आपके फोन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप लोग मेरे जैसा सेम सेटिंग कर लोगे, तो भाई आपका फोन फट जाएगा। मतलब अगर आपका 2GB 4GB का रैम का फोन है, तो बहुत ही दिक्कत करने वाली है, क्योंकि ये मेरा जो फोन है वो 8GB रैम का है, ठीक है। और उस पर गाइज यहाँ पर मैंने अल्ट्रा रखा है। अगर आपका 2GB 4GB का फोन है, तो आप लोग स्मूथ पे ही खेलना, आप लोग उससे आगे मत बढ़ना। अगर इससे आगे बढ़ोगे तो आपका लैग इसी होगा, फिर आप बोलोगे भाई हमारा गेम लैग करता है, हम खेल नहीं पाते, ये वो। स्मूथ में आपका ग्राफिक उतना अच्छा नहीं रहता है, मुझे पता है, लेकिन हाँ आप लोग स्मूथ में अच्छी तरीके से खेल पाओगे, क्योंकि यार आपका लो एंड डिवाइस है, तो इतना तो सहना पड़ेगा। अगर आपका 6GB का रैम है, तो आप लोग 6GB रैम में स्टैंडर्ड में खेलो, अल्ट्रा मत खेलना, ठीक है। 6GB में आप लोग ज्यादा मत उड़ो, 6GB में हो सकता है आपके पास अच्छा फोन हो 6GB का, तो आप लोग अल्ट्रा कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग स्टैंडर्ड ही रखना। और अगर आपका 8GB का रैम है, तो आप लोग ऑफकोर्स अल्ट्रा कर सकते हो, जैसे कि मैं अपने 8GB रैम में अल्ट्रा में खेलता हूं, तो आप लोग अल्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप लोग इसको हाई कर सकते हो या फिर नॉर्मल भी कर सकते हो। मैं तो फिलहाल यहाँ पर नॉर्मल के अंदर खेलता हूँ, अगर वैसे जरूरत पड़ता है तो हाई करता हूँ, लेकिन मेरे को जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है हाई FPS। अगर आपका फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो आप लोग हाई FPS पे खेल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग नॉर्मल पे ही खेलना, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। अगर आप लोग हाई FPS पे खेलोगे ना, तो अभी गर्मी का टाइम है, आपका जो फोन है वो बहुत ज्यादा लैग करेगा, हीट हो जाएगा, और गाइस बैटरी ड्रेनिंग भी होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग फिलहाल के टाइम पे नॉर्मल में ही खेलो, ठंडे के टाइम पे आप लोग हाई FPS पे खेल सकते हो, बाकी आप लोग देख लेना आपके फोन के हिसाब से, मैंने आप लोग को बता ही दिया। और गाइस ये सारा कुछ आप लोग को सेम ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं साउंड के अंदर, तो साउंड के अंदर आप लोग को कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सब कुछ यार सेम ऐसा ही रखना है। यहाँ पर आप लोग को ऑटो क्विक मैसेज आप लोग को ऑन रखना है, वॉइस को आप लोग को बढ़ा देना है। और गाइज यहाँ पर देखो नीचे में जो आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड, इसको गाइज आप लोग ऑन कर सकते हो। मैंने अभी ऑफ कर रखा है ना, लेकिन अगर आप लोग ऑन करोगे ना, तो इससे क्या बेनिफिट है, तो आप लोग ग्रुप के अंदर होते हो और गेम को मिनिमाइज करके यूट्यूब के ऊपर चले जाते हो, तो उस सिचुएशन में भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जो भी दोस्त हैं आपके फ्री फायर के अंदर, वो उनसे आप लोग बात कर सकते हो। तो यही इसका फीचर है, अगर आप लोग ऑन करना चाहो तो ऑन कर लेना, मुझे तो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको ऑन करोगे तो भाई मिनिमाइज करने के बाद भी आप लोग अपने दोस्तों ग्रुप के दोस्तों के साथ बात कर सकते हो फ्री फायर के प्लेयर्स के साथ, तो भाई सही है यार, मेरे ख्याल से बढ़िया ही है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप लोग ऑन करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं रिकॉर्डिंग्स के अंदर, तो रिकॉर्डिंग के अंदर अगर आप लोग एक यूट्यूबर होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग वीडियो डालते हैं अपने गेम प्ले का, तो भाई आप लोग ना ग्राफिक क्वालिटी जो है वो हमेशा से हाई रखना, ठीक है। और इससे गाइस आपका गेम लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये आपका रिजोल्यूशन जो सेटिंग है वो हाई रखेगा, अगर आप लोग रिकॉर्ड करोगे तो वो हाई में होगा, ठीक है। इससे आपके फोन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इसको आप लोग हाई करके रखना। बाकी रिकॉर्ड साउंड आप लोग इसको ऑलवेज ऑन रखना। लॉबी का आप लोग ऑफ कर सकते हो, लॉबी का अगर आप लोग को ऑन करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं ऑफ रखता हूँ, आप लोग भी ऑफ ही रखना। लॉबी का कौन रिकॉर्ड करता है हर वक्त, तो लोग यार गेम प्ले ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो गेम प्ले का आप लोग ऑन कर देना, बाकी लॉबी का आप लोग ऑफ कर देना, ठीक है।
वाइब्रेशन के अंदर आते हैं, वाइब्रेशन के अंदर तो सब कुछ सेम ही है, और मैं आप लोग रिकमेंड करूँगा कि वाइब्रेशन सब कुछ आप लोग ऑफ ही रखना, ठीक है। वाइब्रेशन से वायर बेकार का आप लोगों बस ऐसे ही बैटरी डाउन होगा, तो इसको आप लोग ऑफ ही रखना, ठीक है। बाकी अगर हम लोग नेटवर्क के अंदर आते हैं तो इसको आप लोग ऑलवेज ऑन रखना। काफ़ी सारे बंदों का क्या होता है कि नेटवर्क इशू होता है, तो अगर आपके घर में वाईफाई है और आपका इंटरनेट भी है तो आप लोग वाईफाई इंटरनेट दोनों को ऑन करके खेलना और इसको भी ऑन करके खेलना, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपके मोबाइल का नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है तो भाई ऑटोमेटिक आपके वाईफाई से फ्री फायर कनेक्ट हो जाएगा और गाइस आप लोग कोई भी पिंग इशू लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका वाईफाई बेकार चल रहा है तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल डाटा से कनेक्ट हो जाएगा तो भाई आप लोग को पिंग इशू वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आप लोग इसको ऑलवेज ऑन रखना, और अगर आपके घर में वाईफाई है तो वाईफाई और डाटा दोनों से कनेक्ट करके खेलना, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी तो मैंने आप लोग को सारा कुछ बता ही दिया। नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो, ये सब तो यार नॉर्मल चीज है, आप लोग भी सेम ऐसा सेटिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ इन दोनों चीजों को आप लोग ऑन कर देना। मैं यूट्यूबर हूं तो भाई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट से काफी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बंदे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं तो भाई मेरे स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आता है, इस वजह से मैंने इसको रिजेक्ट और ऑफ कर दिया, लेकिन आप लोग इन दोनों को ऑन कर देना, ठीक है। बाकी गाइस आप लोग ये सारे सेटिंग्स देख ही सकते हो, मैंने आप लोगों को सारे सेटिंग्स के बारे में बता दिया है, लेकिन अगर आप लोग को और भी कुछ सेटिंग्स के बारे में जानना है या फिर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग कमेंट के अंदर बिंदास पूछ सकते हो। बस गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मैंने आप लोग को आफ्टर अपडेट के नए नए सेटिंग्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। होपफुली आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो पसंद को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।